अव्वल तो मैं बोलती नहीं हूँ, आप सब जानते हैं, इसलिए मैं हमेशा की तरह गुलजार साहब का सहारा ले रही हूँ और उनका एक नज़्म है उसमें से मैं एक शेर मैं पढ़ना चाह रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये शेर। रूह देखी है कभी, रूह को महसूस किया है? जिस्म 100 बार जले तब भी वही मट्टी का ढेला, रूह एक बार जलता है तो वो कुंदन बनता है। रूह देखी है कभी, रूह को महसूस किया है? प्यारे दोस्तों, मैंने रूह को कभी देखा तो नहीं, लेकिन एक बहुत पाक और ख़ास रूह को महसूस ज़रूर किया है। वो शख्स पता नहीं कितने बार उसने उसकी रूह को उसने मारा, बचपन से लेके आज तक, तभी तो वो कुंदन की तरह चमकता रहा और आज भी चमक रहा है। मेरी परवरदिगार से यही दुआ है कि जितना हम लोगों को उसने खुश किया, ये बहुत एक ज़हीन इंसान है, बेइंतहा हुनर कूट कूट के उसके नस नस में भरा हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो प्यार, जो आप सब लोग देख चुके हैं, महसूस कर चुके हैं। बस मेरी दुआ यही है कि अपनी अंदर की जो वो कुंदन है उसको और तराशे, उसको और चमकते रहे वो, और चमकाते रहे, और पूरी कायनात में उसका जो वो चमक है वो हम सबको दिखाई दे। बस मेरी ये दुआ है। एंड फॉर दोज ऑफ यू पीपल हु हैव नॉट अंडरस्टूड अ वर्ड व्हाट आई हैव सेड, आई जस्ट वांट टू शेयर अ लिटिल मेमोरी ऑफ माइंड दैट आई हैव विद शाहरुख साहब। We were traveling to some show and we were on the airplane and I was shooting those days for a change. Yes, I do that sometimes. I was so tired working day and night and I had almost gone off to sleep when I was woken by Rekha ji, please uthiye na, please ek minute. प्लीज़ उठिए ना जल्दी से, और खिड़की नीचे कीजिए और ज़रा प्लीज़ नज़ारा देखिए ना, बाहर कितना खूबसूरत एक सनसेट है, प्लीज़ देखिए ना, उसके पास हो जाइएगा, प्लीज़ देखिए ना। मैंने खैर सनसेट को तो देखा नहीं, लेकिन पलट के स्लो मोशन में इनकी तरफ देखा, वो थे शाहरुख खान। तो उस वक्त मैंने उनकी आँखों में आँखें डाल के देखा कि भैया ये हमारी बिरादरी का इंसान है। तो दिस इज़ शाहरुख खान फॉर मी, दिस इज़ शाहरुख खान फॉर यू। दुआओं के साथ, बेहद ब्लेसिंग्स के साथ आप सब से विनती है। सबसे पहले मैं प्रणाम करूंगी और नमस्कार करूंगी। जोरदार दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ शाहरुख जी को उनका इस्तकबाल कीजिए। और Thank you.
टॉप पे मैम, टॉप पे, टॉप पे मैम। देखा मैम टॉप पे, देखा मैम। साथ में मैम, साथ में। हम खाना भी नहीं खाए।